देखो नाश्ते में क्या है, लड्डू। आज नाश्ते में इडली है भाई। बेटा मेरा इडली खाएगा। तो दोस्तों नाश्ता हो गया है, अब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आहान को सोने का, क्योंकि वो जब सो जाएगा तो ही मैं कुछ काम कर पाऊँगा। और मुझे अभी अभी ब्लीच करना है, तो जब तक तो वो सोएगा नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा। सो जाता है तो फिर उसके बाद पहले मैं ब्लीच करूँगा। ये ऑक्सीमेन का मैंने ब्लीच लाया है, मुझे ब्लीच करना है, बहुत दिन हो गया मैंने ब्लीच नहीं किया। बाप रे, लड़के ने क्या कर दिया है, पूरा आटे से, पूरा खेल पूरा आटे से नहा लिया। क्या किया ये सब रे? तो दोस्तों फाइनली बहुत ही मुशक्कत और मेहनत के बाद ये बंदा आज जाकर के सोया है, सो गया है। तो जब तक तो मैं पहले ब्लीच कर लेता हूँ। यहाँ कल गाँव जा रहे हैं तो उनकी तैयारी हो रही है। ये उनके ड्रेसेस है जो शॉपिंग में लिए गए हैं आहान के। शादी में गांव जा रहे हैं, कल उनको गांव जाना है, कल की उनकी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों मैंने ब्लीच किया है तो थोड़ा सा मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है। आहान की मॉम थोड़ा जल रही है मुझसे मुझे देख करके। तो थोड़ा दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाहर, जैसा कि लोगों को थोड़ा सामान लाना है। और आज आहान की मॉम ने जरा उनको आहान के लिए बिरयानी बनाया है, तो दही लाना है कचुमर बनाने के लिए। तो अभी हम मैं जा रहा हूँ दही लाने, और वहाँ से इनके लिए नान खटाई भी लेना है। तो मैं दुकान पर जाता हूँ, मैं सामान लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को दुकान पर। भाई ये दो ना, 200 वाला तीन, हाँ एक एक किलो का 3 किलो। तो ये हम लोगों ने 3 किलो नान खड़ाई ले लिया है, अब चलेंगे घर। और ये हमने ले लिया दही। तो दोस्तों आज खाने में है बिरयानी और ये रहा रायता। दोस्तों मैं भी जरा खा लेता हूँ खाना, साथ में बैठेंगी मेरी अम्मी, अम्मी साथ में बैठकर खाना खाएंगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। दोस्तों आज दूसरा दिन है और आज हम लोग जाते हैं स्टेशन के लिए, निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं लोग स्टेशन जा रहे हैं, लोग आज तैयारी है। तो दोस्तों अभी मैं लोगों को लेकर निकलता हूँ मैं स्टेशन पर। तो आज दूसरा दिन है और आज आहान गांव के लिए तैयार हो गए हैं, गांव जाने के लिए। ये इनका आउटलुक है, ये देखो ये पहने हैं ये कुश्ती। तो दोस्तों अभी मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ मैं आहान को और उनके मॉम को यहाँ पर स्टेशन पर छोड़ने के लिए। इनकी मॉम और इनके खाला लोग हैं, इनके मामू लोग भी हैं। इन लोगों को मैंने कंपार्टमेंट के अंदर बिठा दिया है डब्बे के अंदर। तो इन लोगों को मैं थोड़ी देर में इन लोग यहाँ पर छोड़ दूँगा और फिर निकलूँगा मैं घर के लिए। दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को घर पर। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत थक गया हूँ मैं सामान लाने में। तो घर पर जाता हूँ, खाना खाऊँगा, फिर आप लोगों से बात करूँगा। दोस्तों